अग्निवेश के ऊपर हमला हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? किसका ये खड़ेंद्रकारी है या किसी से मिली भगत है? ये षड्यंत्र नहीं है, तो एक बहुत बड़ा देश हित का काम है। एक देशद्रोही को मारना, एक नक्सलवादी को मारना। आप देशद्रोही उनको कैसे घोषित करें, जबकि काफी लोग इस पे उतर चुके हैं और कह रहे हैं कि वो हमारे दोस्त भी हैं और ये कभी भी हिंदू वो देशद्रोही देशद्रोही का दोस्त होता है। 2 अप्रैल 2011 को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकी राम ने कहा था कि अग्निवेश कट्टर नक्सली आतंकवादी और हमारे पास इसके पर्याप्त सबूत है। जब सरकार एक राज्य सरकार एक बयान दे रही है, उसका बयान का मतलब है अगला कदम है उस नक्सलवादी देशद्रोही की गिरफ्तारी, अग्निवेश की गिरफ्तारी था। किंतु अचानक 3 अप्रैल 2011 को अन्ना का उदय होता है और अन्ना कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर रहा हूँ, और जिसमें मीडिया की पूरी जमात जुटती है। और अन्ना हजारे के बगल में उस समय कोई बैठा था, वो अग्निवेश था। अन्ना का जो आंदोलन था वो इस देशद्रोही नक्सलवादी अग्निवेश को बचाने के लिए आंदोलन था। वेद प्रकाश अभी बोले हैं, वेद प्रकाश जो हिंदू संगठन से हैं मिले हैं, और मोदी इसके बावजूद भी चुप हैं, हमले के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक नक्सलवादी को, देशद्रोही को हमला नहीं, जान से भी मारना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और मैं तो उन लोगों की बधाई देता हूँ जिन्होंने गौरी लंकेश, कलबुर्गी, पनसरे, गोविंद पनसरे और नरेंद्र दाभेलकर जैसे CIA के एजेंट को, जो हिंदू धर्म को ख़त्म करने में लगे थे, उनको से हिंदू धर्म की रक्षा की। मैं उन लोगों को बधाई का पात्र कहता हूँ। अग्निवेश जैसे देशद्रोही को मारना पीटना, ये सन्यासी नहीं है, ये हिंदू धर्म का लगातार अपमान कर रहा है। ये ईसाइयों का एजेंट है, ये नक्सलवादी ईसाई मिशनरियों का एजेंट है। ये छत्तीसगढ़ में या इधर उधर जो घूमता है, ये एक नक्सलवादी है। CIA ये हमेशा जब भी नक्सलवादी मारे जाते हैं तो ये उनके पक्ष में खड़ा होता है, जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं तो उनके खिलाफ खड़ा होता है। इस देशद्रोही को, देशद्रोही की सजा मारना पीटना नहीं है। हिंदू शास्त्रों में देशद्रोही की एक ही सजा है, गद्दार की सजा, मौत। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि इस अग्निवेश जैसे नक्सली आतंकवादी को गिरफ्तार करे और इसको सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा दे। ऐसे देशद्रोही को मारने पीटने में काम नहीं चलेगा, इनको तो जन्म में पहुँचाना है। और मैं भारत माता के हर सपूत से, हर जो सैनिक नक्सलवादी मारे जा रहे हैं, उन सैनिकों के परिजनों से अपील करता हूँ कि इन गद्दारों को मौत के घाट उतारकर अपने परिजनों की हत्या का बदला ले, इन नक्सलवादियों को जहन्नुम में पहुंचाए। भारत माता की